इंस्पिरेशन तो मेरी इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं और जो भी मुझे लगता है कि यू नो मैं जब भी कोई अच्छे इंसान से मिलता हूँ अपनी लाइफ में, जब भी कोई मुझे पसंद आता है, जब भी कोई अच्छी बातें करता है मेरे साथ और जो उनसे कुछ सीखने मिलता है, जो मैं आज तुम लोगों से कुछ सीखने आया हूँ बिल्कुल, सो आई थिंक हर एक इंसान जो आपको कुछ नया सिखा है, आपको कुछ नई उम्मीद है, आई थिंक वो इंस्पिरेशन होता है।
शुरुआत में आराम बहुत टाइम आराम से लेना किस किस ने मेरा गाना सुना है आपको
इंडस्ट्री में जाना है या डिजाइन करना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप मेरे जैसे पढ़ाई कर सकते और नहीं मैं पढ़ाई करता हूँ आपके जैसा बंदा नहीं 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 लेकिन उसके अलावा मैं पढ़ाई हमेशा करता था, हमेशा ध्यान देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, उसके साथ मुझे अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करनी ही है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और आप जो भी करो अपना 100% आप जो भी करो, आप अगर भले इतनी सी भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, अगर आप उठा के कुछ रख रहे हो, उसके अंदर भी आप अपना 100% दो, आप अपना पूरी पूरी जान जान लगा दो, बस यही आपको करना है। और अगर आप इस बस 10-15 साल में अगर आपने ये कर लिया तो आगे के सारे साल आपको बता सकते हैं। Thank you.
इससे अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो सकता सेलिब्रेशन कि अगर आप यू नो ईद में अगर आप इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और तो यू नो ईद और भी अच्छी होती है क्योंकि आप हर बार यू नो फैमिली के साथ तो होते ही हो, लेकिन इस बार इन बच्चों के साथ मिलकर यू नो फैमिली से कम बिल्कुल नहीं लगता है। तो मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं आया यहाँ पर और मैंने ईद सेलिब्रेट किया, इन लोगों के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, इन लोगों को जाना इतने अच्छे से और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। तो यू नो मुझे लगता है कि बस इन लोगों को और मेहनत करनी चाहिए और यू नो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए हम जैसे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो इनको यू नो सपोर्ट करना चाहिए फॉर अ गुड कॉज, एवरी वन शुड सपोर्ट देम एंड बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, क्योंकि ये लोग इतने टैलेंटेड है तो ये टैलेंट कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए और इतने मेहनती है तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देनी चाहिए। जी जी बचपन से मैं ऐसे ही ईद सेलिब्रेट करता था, मैं कभी अपने परिवार के घर पे जाता था तो वहाँ पे वो लोग कुछ खाना वगैरह बनाते थे तो उसको मिलता था, टाइम टाइम बाद हम लोग मिलते थे यू नो। तो ईद पे स्पेशल ओकेजन होता है क्योंकि सारे कज़िन जो है सारे रिलेटिव जो है तो एक साथ सब लोग एक घर के अंदर होते हैं तो साथ में खाना वगैरह खाया, हंसी मजाक बातें की, तो आई थिंक ये एक दिन बहुत ही अच्छा होता है और ये लुक फॉरवर्ड करते हैं इस दिन को हर साल। बिल्कुल 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 कपड़ों की, क्योंकि ईद ऐसा यू नो त्यौहार है जब लगता था कि हाँ चलो इस बार कुछ नए कपड़े आने वाले, तो वो एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि आप बच्चे होते हैं तो आपको नई चीज़ें जो आपको यू नो मिलती है तो आपको पता होता है कि वो कौन से दिन होते हैं, दिवाली होता है, ईद होता है, तो यू नो स्पेशली ऐसे दिनों में तो एक बहुत ही अच्छी बात है और इसलिए बच्चे इतने यू नो देखते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं, इनकी जो एक्साइटमेंट है ये यू नो बहुत ही ज़ाया है क्योंकि ईद का जो त्यौहार है तो इन लोग भी यू नो लुक फॉरवर्ड करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। जी 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 मुझे बहुत पसंद है, मैं साल में एक बार खाता हूँ क्योंकि एक साल में एक ही बार बनता है शीरकुरमा, तो ईद के चार दिन पहले ही मुझे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है यार शीरकुरमा बनने वाला है अब तो इस बार तो एक दिन होता है मैं पूरा मतलब कम से कम नहीं तो 10 बोल तो मैं खाता ही हूँ शीरकुरमा, मुझे इतना पसंद है और क्योंकि वो साल में एक बार बनता है तो इसलिए उसकी एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम लोग बना भी सकते हैं साल में कितनी भी बार लेकिन वो मतलब वो बनता नहीं है या फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो साल में एक बार खाने में आता है, वो भी ईद के दिन पर, तो मैं वो इन्जॉय करता हूँ काफ़ी। जी ईद पे रिलीज़ करते हैं। जी 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 आज 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 रिलीज़ हुई है। जी जी बिल्कुल, बस मैंने यू नो काफ़ी अच्छा रिस्पांस बहुत लोगों से आया रेस का और सारे के सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, सलमान सर की फिल्म है और इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है, रेस वन जो आई थी, रेस टू, फिर रेस थ्री, तो मतलब सलमान भाई को ईद के दिन पर तो देखना तो बनता ही है, तो यू नो मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं भी इस फ्राइडे नहीं सैटरडे, कल मैं सैटरडे संडे एक्चुअली कल संडे तो मैं कल जाऊंगा शायद से, कल संडे नहीं है, मैं भी क्या कह रहा हूँ, कल सैटरडे मेरे ख्याल से, तो सैटरडे कल तो मैं जाऊंगा देखने ईद ईद पे रेस थ्री, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बचपन में एक्चुअली क्या था, बचपन में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था तो मेरा काम पूरा टाइम ये था, फिल्म में मैं इतनी ज़्यादा देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे पता है कि सलमान सर की मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, हम आपके कौन मुझे याद है देखी थी मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैं तभी तो ऑब्वियसली काफ़ी मैं मतलब बचपन में स्कूल वूल जाता था तो वो एक फिल्म थी जो हम लोग यू नो एवरी फ्राइडे जब लगती थी, उस फ्राइडे जब लगा था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो वो एक फिल्म है जो मुझे सलमान सर की याद है जो मैंने उस टाइम देखी थी। राइटिंग नहीं, मैं इतना नहीं लिखता हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं मतलब मेरा फोकस तो मेन एक्टिंग ही है तो मैं उसी के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ, राइटिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।